गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री चैप्टर क्लास सेवन्थ। इसमें हम शुरू करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्ट्रक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। यहाँ पे इस पोएम में स्टोरी क्या है कि जो डैड होते हैं, है ना, डैड और कैट की स्टोरी है, पोएम है। और इसमें जो डैड होते हैं, वो कैट होती है, वो एक पेड़ में अटक जाती है, जिसके कारण जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अटक गई है कैट, तो इसको मेरे पे मतलब छोड़ दो, मैं इसको निकाल लूँगा, ऐसा वो कह के आगे कहते हैं। द ट्री वॉज बबली, द ट्री वॉज टॉल, मॉम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। अब यहाँ पे उनकी जो मॉम होती है, डैड, तो ये डैड बोलते मेरे पे छोड़ दो, मैं कैट को निकाल लूँगा। अब मॉम कहती है कि भगवान के लिए मतलब एक तरह से देखिएगा कहीं ये आप गिर ना जाओ। लेकिन क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि वो जो पेड़ था टेढ़ा था और लंबा सा था, इसलिए उसकी मॉम को डर लगता और वो कहती है भगवान के लिए तुम गिरना मत। फॉल स्कोप डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। अब फॉल गिरना, पापा कहते कि गिरना वो भी मेरे जैसे क्लाइंबर को, ये तो बच्चों का खेल है, ऐसा कहते हैं। और कहते कि तुम बस देखो और मैं क्या करता हूँ। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। तो वो क्या करते हैं, उनके डैड जाते हैं, एक सीढ़ी लाते हैं, कहाँ से, शेड से। शेड मतलब एक स्टोर रूम या कुछ, एक सार भी कह सकते हो, जिसमें मतलब कुछ भी कबाड़ रख सकते हो या कुछ भी, तो या एनिमल्स भी रखे जा सकते हैं। तो वहाँ से ये सीढ़ी लेके आते हैं, लेकिन जब रखते हैं वहाँ पे लगाते हैं, तो क्या हुआ, जब चढ़ने का टाइम आता है तो वो जो सीढ़ी होती है स्लिप कर जाती है, जिसके कारण उनके जो डैड होते हैं कहाँ गिर जाते हैं, सीधे फ्लावर पे, यानी कि पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस, जैसे ही चढ़ते हैं वो स्लिप करके नीचे गिर जाते हैं, और फ्लावर बेड यानी नीचे फूल लगे हुए थे उन पौधों पे गिर जाते। नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो उसके जो डैड होते हैं वो उठते हैं और पूरे जो शर्ट में और पैंट में जो लग गए होते हैं डर्ट पूरे फेस, और उसको साफ करते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, और फिर वी विल ट्राई प्लान बी। अब कहते हैं कि प्लान बी जो है हम उससे दूसरी मतलब दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। स्टैंड आउट ऑफ द वे, सबको हटाते हैं वहाँ से, बोलते सब लोग साइड हो जाओ। मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। तब मॉम जो है वो क्या कहती है कि अब दोबारा मत गिर जाना। फॉल अगेन सेड डैड, डैड फिर से कहते कि फिर से गिरूंगा ऐसा, फनी जोक, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांचेस इट ब्रोक। जैसे वो चढ़ते हैं ब्रांच पे, मतलब कि वो झूल लटकने लगते हैं, अभी सीढ़ियों से नहीं, वो पेड़ को पकड़ के लटकते हैं चढ़ने की, तो ब्रांच जो होती है वो टूट जाती है। तो अब क्या होता है, डैड लैंडेड वॉल बैक ऑन द डेक, मॉम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। कहते हैं तब ये जो टहनी होती टूट जाती है, इसके कारण वो फिर से गिरते हैं, और इस बार बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो मॉम कहती है अब इसे बंद करो ये सब, अब मतलब कि तुम अभी कहीं अपना गले भी ना तोड़ दो इस तरह से। तो फिर आगे रवि सेड डैड नाउ वी विल ट्राई प्लान सी इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो अब उसके डैड कहते हैं क्या तुम रविस के बेवकूफ़ों जैसे बात कर रही हो, अब प्लान हम सी ट्राई करेंगे, यानी बोलते हो गया तीसरे तरीके से हम ट्राई करते हैं, इस बार हमारे जैसे क्लाइंबर के लिए तो आसान होगा। तो अब देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट ही डिड नॉट फॉल। अब यहाँ पे उसके पापा फिर दीवार के थ्रू चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके थ्रू जब चढ़ते हैं तो चढ़ जाते हैं ना, और वो बोलते हैं अब गेस करो, अब देखो मैं कैसे नहीं गिरता हूँ। ही गिव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट ऑन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। इस बार वो पेड़ पे जंप करके चढ़ जाते हैं, उस और जंप करते हैं ऐसी जगह पे टहनी के ऊपर जहाँ पे कैट होती है, तो कैट जैसे जंप करते हैं वहाँ तो वो पहुँच जाते हैं, लेकिन जो कैट होती है वो सीधे वहाँ से छलांग मार के नीचे उतर जाती है, कूद जाती है। द कैट गिव अ यर्ल एंड स्प्रंग टू द ग्राउंड प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। तो कैट जो है म्याओ करके उछल के वहाँ से नीचे कूद जाती है, और वो बिल्कुल सेफ और साउंड करते हुए उतरती है, और जब वहाँ पे थी तो बड़े अच्छे से शांति से, मतलब नीचे उसको कोई चोट वगैरह नहीं लगी। अब सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मार्किंग स्मंग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। अब यहाँ पे एक हंसी वाली बात हो जाती, स्माइलिंग वाली बात हो जाती, क्योंकि जो कैट होती वो तो उतर जाती, लेकिन अब डैड जो है पेड़ पे अटक जाते हैं, है ना, पहले कैट अटकी थी, अब डैड खुद अटक गए, उसको निकालते निकालते, है ना। तो ये था इस पोयम, नेक्स्ट टाइम इसके सलूशन। थैंक यू।